फिरोजाबाद से एससी एसटी एक्ट से परेशान गांव वाले पलायन को मजबूर हो गए हैं। गोथवा गांव में मकान बिकाऊ है, ये लिखा नोटिस गांव वालों ने मकानों के सामने चिपका दिया है। प्रशासन से न्याय की लगातार गुहार लगाई जा रही है, तो एससी एसटी एक्ट के डर से पलायन को लेकर तैयार हैं ये गांव वाले। प्रशासन से लगातार न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में एक गांव अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फिरोजाबाद से, जहां गोथवा गांव में मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगे हुए हैं। गांव वालों ने मकान पर किस तरीके से नोटिस लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। प्रशासन से भी लगातार न्याय की गुहार ये गांव वाले लगा रहे हैं। एससी एसटी एक्ट के डर से ये कार्य किया जा रहा है। तो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से मकान बिकाऊ है के पोस्टर चिपकाए गए हैं, लिखा गया है बकायदा। खौफ में गोथवा गांव के कुछ लोग हैं। फिरोजाबाद के गोथवा गांव की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एससी एसटी के डर से पलायन को लेकर गांव तैयार है। तो फिरोजाबाद एससी एसटी एक्ट से परेशान गांव वाले पलायन को मजबूर हो चुके हैं। गोथवा गांव में मकान बिकाऊ है का लिखा है नोटिस। आप दीवारों पे साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से नोटिस जारी किया गया है। मकान बिकाऊ है के साथ अपना मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं। यहाँ लोग पलायन कर रहे हैं गोथवा गांव में, तो एससी एसटी के मुकदमे की वजह से। तो यहाँ मैं आया, मैंने लोगों से बात की और पलायन कोई नहीं किया है, पहले कभी मुकदमे लिखे गए होंगे। और छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है तो आदमी को डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए। तो इन सबको आश्वस्त दे किया गया कि किसी भी जात किसी भी धर्म का कानून सबके लिए बराबर होता है। तो किस तरीके से गांव वाले परेशान हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर फिरोजाबाद से, और आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर तीन तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से मकान पर नोटिस जारी किया गया है। खौफ में कैसे गांव वाले हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीण कैसे पलायन करेंगे, बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है। फिरोजाबाद के गोथवा गांव की ये खबर है, जहां पे ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। एससी एसटी एक्ट से पलायन को तैयार है। गोथवा में मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए गए हैं। अपने ही घर के मकान के बाहर ये नोटिस जारी किया गया है कि मकान बिकाऊ है, और इसी के साथ अपना मोबाइल नंबर भी गांव वालों ने उस पर लिख के रखा है। तो खौफ में है गांव वाले, प्रशासन से लगातार गुहार भी लगा रहे हैं, पर अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। हाँ, मैं भी बेचना, जब जेल लोग नहीं रहेंगे तो मैं भी बेचूंगा भाई। मैं क्यों रहूंगा यहाँ पे, उसको बेच रहे हो? अब यही परेशानी है कि ये लोग इनके खेतों में, ठाकरों के खेतों में बकरियाँ चली जाए और ये बकरियाँ मारे तो ये औरतें कपड़ा फाड़ के चली जाती है, रिपोर्ट लिखा देती हैं। तो प्रशासन से लगातार ये गांव वाले गुहार लगा रहे हैं। फिरोजाबाद की खबर हम आपको बता रहे हैं, और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम दुबे हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। शुभम, जिस तरीके से हम तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि गांव वाले अपने दीवारों पर जो लिखे हैं कि मकान बिकाऊ है, क्या वाकई ये आपसे पूछना पड़ेगा, क्या फिरोजाबाद में मकान बिकाऊ हो चुका है? मैं आपको बता दूं, नारकी ब्लॉक के गांव गोथुआ का ये मामला है, और ये दो जो समुदाय हैं उनमें काफी पुराना रंजिश मान सकते हैं। इसमें कई जो ठाकुर बिरादरी के लोग हैं वो एससी एक्ट के झूठे मुकदमों में पहले भी जेल जा चुके हैं, और जिन्होंने राजीनामा करने के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं। तो इस ये जो विवाद है इसमें प्रशासन की नाकामी साफ तौर पर देखी जा सकती है कि इसमें प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो अभी भी 28 जनवरी को इसमें तहरीर दी गई थी परिजनों की तरफ से, जो एससी एससी एक्ट की जो परिजन है उन्होंने एक तहरीर दी थी, उस पर मुकदमा लिखने की तैयारी की जा रही थी। और जो जिस व्यक्ति पर मुकदमा लिखा जा रहा था वो युवा है और एजुकेशन में सिलोही रखने वाली है,
तो जो ठाकुर बिरादरी के लोगों का साफ तौर पर क्या है कि जिस बच्चे की नौकरी लगने की होती है उस पर फर्जी मुकदमा उठाया जाता है। तो जिस तरीके पर उन्होंने तंग आकर अपने ठाकुर जो समुदाय है रावत पूरा ठाकुर समुदाय है उसने साफ तौर पर मकान और जमीन बिकाऊ का लिख के और अपना फोन नंबर भी छोड़ा है और स्पष्ट तौर पर वो मकान बेचकर पलायन करने को मजबूर है। और सबसे बड़ी बात तो पुलिस इस मामले में सक्रिय हो गई है और सीओ टुल्ला ने मौका मुआयना किया था लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अभी तक कोई भी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। तो ये चिंताजनक हालात यहाँ पर गाँव में बने हुए हैं। शुभम आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ अनुराग बदौरिया सपा प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। स्वागत करती हूं सर आपका R9 टीवी में। जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं कि गांव वाले परेशान हैं और गांव वालों को ये लिखना पड़ रहा है कि मकान बिकाऊ है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं टीवी तो देख नहीं रहा हूं, मैं फोन पे हूं। जी तो मैं आपको बता देती हूँ कि गांव वालों ने अपने दीवारों पे लिखा है कि ये मकान बिकाऊ है और उसी के साथ गांव वालों ने अपना नंबर भी लिखा है। इस तरीके से वो SC और ST एक्ट से परेशान हो चुके हैं। ST देखिए मैं एक चीज बता दूं। जी सर। ये जिम्मेदारी सरकार की है, उत्तर प्रदेश की सरकार की। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, वो दिल्ली के इलेक्शन जिताने में बिजी हो जाते हैं, कभी मध्य प्रदेश का इलेक्शन जिताने में बिजी हो जाते हैं, कभी राजस्थान का इलेक्शन जिताते हैं, कभी महाराष्ट्र के इलेक्शन जिताते हैं, लेकिन वो जिन जनता ने उनको चुना है इतनी बहुमत के साथ उनको वोट दिया उस जनता का उन्हें कोई ख्याल नहीं है। उसके लिए वो समय नहीं देते दिल्ली में, सॉरी लखनऊ में। लखनऊ में समय दे ना, पर वहाँ DGP परमानेंट अपॉइंट नहीं कर पाते। अभी भी कार्यवाहक DGP है, कार्यवाहक वहाँ पे मुख्य सचिव है, तो सब कुछ तो कार्यवाहक चल रहा है। जहाँ कार्यवाहक चीजें चलेंगी वहाँ पे आप कैसे जनता की तरफ ध्यान दे पाएंगे? तो जनता और जो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरह से चरमराया हुआ है, उसका कोई देखरेख करने वाला है नहीं वहाँ पे। वो कहते ना एकदम जैसे लावारिस की तरह छोड़ दिया गया उत्तर प्रदेश को, माने कोई कहीं कानून रास्ता की बात है नहीं। जब कहीं हाँ जब कभी कभार ये लोग निर्दोषों का तो इनकाउंटर कर देते हैं और बता देते हैं हमें बहुत सारे इनकाउंटर हो रहे हैं, इनको लगता है कि इनकाउंटर का हवा बनाना। सर आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त BJP की प्रवक्ता शबनम जी हमारे साथ भी फोन लाइन पे बनी हुई है। शबनम जी आपसे भी पूछना चाहूंगी कि गांव वाले इस कदर परेशान हो गए हैं कि अपने ही दीवार पे वो लिख रहे हैं कि गांव बिकाऊ है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? मैटर आप बोल रही है मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके का मामला है तो वहाँ के लोकल प्रशासन निश्चित इसका संज्ञान लेंगे और इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। और हमारे सपा के जो साथी कह रहे थे इतने प्रमुखता के साथ और जितने जिस एक्शन मोड में आज हमारे मुख्यमंत्री दिख रहे हैं, मुझे लगता है पिछले कई दशकों से ऐसे मुख्यमंत्री नहीं थे। और हमारे उत्तर प्रदेश में अपराध भी घटे हैं, ये आंकड़े भी बताते हैं। तो जिस सजगता के साथ वो कार्रवाई करते हैं, जिस सजगता के साथ सारे पुलिस प्रशासन हो या अन्य विभाग हो उनकी समीक्षा करते हैं, मुख्यमंत्री पे इस तरह की टिप्पणी करना कहीं ना कहीं अपराध को संरक्षण या भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले लोग ही कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुए और अगर फिरोजाबाद में इस तरह की घटना है लोकल प्रशासन निश्चित तौर पे संज्ञान लेगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। पर शबनम जी यहाँ लोगों का कहना है कि वो लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं पर उन्हें कोई मदद नहीं मिल रहा है। और अनुराग जी कह रहे हैं कि BJP के जितने भी नेता है वो दिल्ली चुनाव में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। देखिए सारे काम साथ साथ चलते हैं देश में, ऐसा नहीं है कि विकास का कार्य हो रहा है तो दूसरा काम नहीं होता। सभी सभी कार्य साथ साथ चलते हैं और अगर वो BJP के कोई नेता वहाँ पे गए हैं तो साथ साथ यहाँ भी जो भी कानून व्यवस्था का मामला हो या अन्य विभागों का है वो भी सुचारू रूप से रहा। तो ये कहीं ना कहीं हताशा के मोड में ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। तो मैं आपको पूरी तरीके से ये करती हूँ कि निश्चित तौर पे वहाँ कड़ी कार्रवाई। जी अनुराग जी भी हमारे साथ लाइन पे बने हुए। अनुराग जी शबनम जी जो कह रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब शबनम जी को क्या बताऊं मैं, उनकी मजबूरी अपनी पार्टी का डिफेंड करना, उनसे पूछो DGP समाजवादी पार्टी लोग बोला नहीं। अब मेरी बात सुन लीजिए, इसीलिए मैं फोन लाइन पे आता नहीं, मैं आप बोल रही थी मैं सुन रहा था, मेरी भी सुन लीजिए। तो कौन खिसियारा इससे पता चल रहा है भाई, आपका DGP नहीं अपॉइंट कर पाई हमने रोका, समाजवादी ने रोका है क्या? मुख्य सचिव आप 3 महीने से नहीं अपॉइंट कर पाई हमने रोका है क्या? दिन दहाड़े कल मर्डर हो गया लखनऊ के अंदर में, एक आके गोली मार के चला गया व्यक्ति और आप कुछ कर नहीं पाए, फिर कह रहे खसियानी बिल्ली। खसियानी बिल्ली कौन भाई? सरकार आपकी यहाँ चल रही है, आप परमानेंट कार्यवाहक तो सरकार चला रहे हैं, आप हर हर अधिकारी आपका कार्यवाहक है,
आप परमानेंट अधिकारी नहीं अपॉइंट कर पा रही है और दोष दे रही है समाजवादी पार्टी पे। कमाल है भैया, भारतीय जनता पार्टी तो कुछ खुद तो कुछ कर नहीं पा रही है। और आप कह रहे थे क्राइम रेट कम हो गया, अरे जितना क्राइम रेट बढ़ा है उससे 60% ज्यादा क्राइम बढ़ गया उत्तर प्रदेश के अंदर में। आप डाटा निकाल के देखिए ना, खाली बोलने से चीज थोड़ी होता है। आपके मुख्यमंत्री खुशी रहते हैं दूसरे इलेक्शन में, आपके यहाँ सब कारवाक है, थोड़ा टाइम दे उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो कारवाक से कम परमानेंट अधिकारी तो अपॉइंट कर पाएंगे आप। जहाँ परमानेंट अधिकारी नहीं होगा तो वहाँ पे मदद होगी। अनुराग जी क्या करेंगे, बीजेपी आप परमानेंट अपॉइंट कर पाते पूरे अधिकार दिए गए हैं संवैधानिक अधिकार, तभी तो मर्डर हो जा रहे हैं। दिन उजाले में मर्डर करके चला जा रहा है, लगातार पांच पांच मर्डर हो गए लखनऊ के अंदर में। कल रायबरेली में मर्डर हो गया, कल एक फिरोजाबाद में हो गया, परसों वहाँ पे गोरखपुर में हो गया। कितना गिना दें, एक दिन में पांच पांच दस दस ग्यारह ग्यारह मर्डर हो रहा है। और आप कह रही की सबका सब सुचारू रूप से चल रहा है, इसको आप सुचारू रूप से बोलती तो अच्छी बात है। अनुराग जी, मर्डर हो गया उस पर हम नहीं जाते, पर जो हम अभी खबर बता रहे हैं उसको लेके हमारा प्रश्न है कि प्रशासन से वो गुहार लगा रहे हैं पर उनकी कोई भी समस्या हल नहीं रही है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।